वेलकम बैक। पैकेज आपने देख लिया, आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम मछली के फवायद पर बात करने लगे हैं, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका क्या और ज़बरदस्त तरीका क्या है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। हमारे सेट पर मेहमान मौजूद हैं जो हमारे लिए मज़ेदार सी मछली बना रही हैं और हम मछली बनाने का तरीका भी सीखेंगे और साथ ही साथ इसके बाद हम मछली पर हाथ भी भरपूर तरीके से साफ़ करेंगे। तो मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सबसे पहले कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हर्बलिस्ट है खुरम मशीर, सभी जानते हैं हम सबके फेवरेट है। बहुत शुक्रिया खुरम आपके वक्त का। जी अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। और हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है आयशा जो हमारी शेफ हैं, जो हमारे लिए बड़े मज़ेदार सी मछली बना रही हैं। आयशा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबकी फेवरेट, आप सबकी भी फेवरेट चुलबुली सी मेरी प्यारी सी दोस्त है डॉक्टर सहर चावला, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। बहुत शुक्रिया सहर आपके कीमती वक्त का। तो गुफ्तगू का आगाज़ खुरम साहब आपसे ही कर लेते हैं। वैसे तो मछली की बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन क्या सारी जो इकसाम हैं उनका फ़ायदा एक सा होता है? जी देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, जब आप मेडिसिन की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं, तो देखिए एमबीबीएस में जब आपको पढ़ाई कराई जाती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह बताई जाती है कि जी आप दवाएं अपनी एक तरफ, मगर अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। अच्छा, हमारी एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी ये बाल जो है, ये स्किन जो है, ये कोई बाहर की कोई चीज़ है, कोई छिलका लगा हुआ है, जो डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। जब आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी, आपके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होंगे जो कि मछली में बहुत होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके अंदर प्रोटीन होता है, आपके बाल आपकी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी हुई हैं, प्रोटीन से बनी हुई हैं, और जो आपका खून बॉडी में बनता है वो सर्कुलेट आपकी जो वेसल्स के जरिए करता है उनको नरिशमेंट और उनको एक लचक देती है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और आपके हॉर्मोन्स, अच्छा आपने आजकल बड़ा सुना होगा, आप किसी से भी बात करें वो कहते हैं जी मेरे हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हॉर्मोन लोग समझते हैं कोई अलग से चीज आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेडिकल साइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप पैदा होते हैं, जब आप पहली सांस लेते हैं और टिल योर डेथ, आपके अंदर हॉर्मोन्स अगर ना हो तो आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं होगी। एक कॉर्टिसोल आपके अंदर हर वक्त रिलीज होता है, अगर आप टेंशन में हैं, कराची की हालत आपको पता है कि जंगली कुत्ते सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए, आपके अंदर एनर्जी देने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो उसको रेगुलेट करता है जो हम मछली खाते हैं, तो उसके अंदर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में शामिल होते हैं, वो आपका अच्छे वाले हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ब्लड करते हैं। आपकी ब्यूटी का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी ग़िज़ा से है। बिल्कुल, वैसे ब्यूटी किस तरह से इंक्रीज करें ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन सहर हमें खुराक का किस तरह से हिस्सा बनाना चाहिए मछली को? मछली का जो सेफ रिकमेंडेड डोज है वो हफ्ते में आप 3 बार ले सकते हैं। हालांकि अगर आप डेली भी लेते हैं उसकी भी कोई टॉक्सिसिटी या फिर कोई डेंजरस रिपोर्ट्स रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन 3 बार तो सर्दियों में लेनी मैंडेटरी है। और अदरवाइज भी वो अदरवाइज इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें तो रिकमेंडेड नहीं है कि आपको फिश खानी चाहिए। बाकी फिश इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी फूड अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। ब्यूटी से आ जाते हैं हम वेस्ट लाइन की तरफ, सो फिश इज, बिकॉज हम अभी शो से भी पहले बात कर रहे थे, फिश इज जस्ट आइडियल फॉर योर वेस्ट लाइन। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हार्मोन्स कोई बाहर की चीज नहीं है, यही हमारे कुछ एनवायरमेंटल और एक्वायर्ड फैक्टर्स हमारे हार्मोन्स को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन। लेप्टिन जो है ये हमारे पास पैदा होता है इंटेस्टाइन में और फैट सेल्स में, वो सेल्स जहां पर हमारे पास चर्बी जमा होती है, पैदा होती है, एक्यूमुलेट होती है। लेप्टिन का काम होता है आपके एपेटाइट को सप्रेस करना, यानी आपकी खाने की ख्वाहिश को कम करना। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा फिश में, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं, उसमें DHA और EPA वो आपके लेप्टिन के लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब जब आपके लेप्टिन के लेवल्स इंक्रीज होंगे तो आपकी एपिटाइट जो है वो सप्रेस होगी। एक और चीज ये साथ आपके करते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी, यानी वो वाला कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी, जिस वक्त आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करें, आराम से बैठे हुए हैं, और एक्सरसाइज मेटाबॉलिक रेट भी, यानी उस टाइम जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो बात हमने वेस्ट लाइन से स्टार्ट की है। बिल्कुल सहर, वैसे जिस तरह से आपने बताया कि हमें ब्यूटी के तो उससे हमें फायदे होते हैं, हमें हमारी ब्यूटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन वैसे हम काम कैसे कर सकते हैं? आपने आपको किस तरह से मछली को खुराक का हिस्सा बनाया जाए कि हम अपना वेट लॉस कर सकें?
वेट लॉस इस तरह आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप फ्राइड लेंगे, ऑफ कोर्स फ्राइड इज नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू ग्रिल्ड फिश और एज कम्पेयर टू बेक्ड फिश. फिर उसमें जो आप अपने ऑयल जो है जिसमें आप कुक करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल ऑफ कोर्स इज बेटर एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरे ऑयल्स यूज करते हैं. ब्यूटी के साथ आप बात करिए, फिश आपके एक्ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है. फिश में आपके पास जिंक होते हैं. हमने एक बार लास्ट शो में भी बात की थी जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे थे कि जिंक इज अमेजिंग फॉर वुंड हीलिंग. ये जो आपके पिंपल्स होते हैं, जो एक्नी होती है, इट इज मोर लाइक अ सोर, इट इज मोर लाइक अ वुंड. इसमें दर्द भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इट इज एक्सीलेंट फॉर वुंड हीलिंग. इसके अलावा फिश में जो आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं जिनको आप साइटोकाइंस कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सारी पेन और इंजरी एक्ने की, उनकी जो पैदाइश है, उनकी जो प्रोडक्शन है, उसको डिक्रीज कर देते हैं. और एक और सब्सटेंस होता है बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सब्सटेंस पी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, उस पाथवे को भी जाके ये आपकी जो फिश है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इनहिबिट करते हैं, आपकी जो स्किन है वो अच्छी हो जाती है, ग्लो भी करती है. बिल्कुल. और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जो ऑयल है, आप फिश नहीं खाती हैं, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है. मैं तो बहुत फिश खाती हूँ, मैं तो हफ्ते में 2-3 बार खाती हूँ लग रहा है, और वो भी बेक्ड फिश खाती हूँ. जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये जो आपके पास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये एक बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस मेंटेन करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखते हैं, मॉइस्चराइज भी रखते हैं. हमने अक्सर सुना होगा कॉस्मेटिक डॉक्टर से, ब्यूटिशियन से, कि रात को मॉइस्चराइजर लगा के सोना है, बिकॉज मॉइस्चराइजर जो है वो आपकी एजिंग को डिले करता है, रिंकलिंग को, फाइन लाइंस को प्रिवेंट करता है. अगर आप अपनी गजा में ही ऐसी चीज ले लें जो आपको एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड कर रही है, रिंकलिंग को प्रिवेंट कर रही है, स्किन को हाइड्रेट कर रही है, तो क्या बात है. वाह भाई वाह, क्या बात है. अब हम आयशा से देखते हैं कि आयशा से जानते हैं आयशा कौन से फिश बना रही है. आयशा ये भी बताइएगा कि आप एक तो फिश कौन सी बना रही हैं और दूसरा ये कौन सी ऐसे फिश है जो कि बड़ी जल्दी बन जाए और आपको बनाने में मजा भी आए. सबसे पहले आपके आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि जल्दी फिश बन जाती है वो फिंगर फिश होती है. फिंगर फिश बेसिकली एक कट होता है, आप किसी भी फिश के जो है फिंगर्स बनवा सकते हैं तो वो जल्दी बन जाती है, बिकॉज उसमें कांटा नहीं होता, वो लाइट उसका जो है वो होता है, साइज छोटा होता है, तो वो जल्दी बन जाती है. हम आज बना रहे हैं फिंगर फिश बना रहे हैं, साथ में तवा कसूरी फिश बना रहे हैं, और इसके अलावा हम बना रहे हैं ब्रिटेन की स्पेशल जो है वो फिश एंड चिप्स जो होती है. बेसिकली जो लोग ब्रिटेन से रिलेट करते हैं उनको पता है कि वो वहाँ की बहुत स्पेशलिटी है, तो वहाँ की हम बना रहे हैं, वो अभी इन प्रोसेस है. बाकी जो चीज़ें हैं वो फिंगर फिश हमारी बन गई. सबसे टेस्टी मछली कौन सी होती है? अगर देसी टेस्ट की बात की जाए तो रोहू जो है वो हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है. बाम, हर मछली का अपना टेस्ट है. कुछ चीज़ें होती हैं, अब जैसे रोहू है, उसके हम अगर फिंगर बनाएंगे तो वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, बिकॉज उस पर हम लगाते हैं तो अपना देसी मसाला जो लगाते हैं वो ज़्यादा मतलब उसको उठाता है. और अगर फिंगर फिश है, वो बाम मछली जो होती है उसके फिंगर्स हम बनाते हैं तो वो क्योंकि उसमें लाइट मसाला होता है, तो या जो ब्रिटेन की मैं बता रही हूँ उसमें भी वो बहुत अच्छी जो है वो बनती है. पाम फ्रे भी बहुत अच्छी बनती है, डिपेंड्स. सालमन भी है, कई तरह की फिश है, तो आप इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. ठीक है, तो जो आपको पसंद है आप चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो ट्राउट पसंद है. वैसे मैं तो शौक से जाके ट्राउट खाती हूँ. एक कॉलर हमारे साथ है, नौरीन. अस्सलाम वालेकुम नौरीन जी. नौरीन बताएं क्या बात करना चाहेंगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, बात करें नौरीन, बड़े मजेदार टॉपिक है हमारा आज का, क्या बात करेंगे जी. मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं तकरीबन 8 साल हो गए मैंने मछली छोड़ी हुई है. मैं ये मेरे ना सीजन हुआ था 5वां, तो मैंने ये ना डर बैठ गया कि मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, लेकिन मैं मछली नहीं खाना छोड़ दी जी. मैंने मछली और अंडा, मैं 8 साल हो गए मछली और अंडा नहीं मैं खाती. चलें जी अभी बता देते हैं. खुरम साहब बताइएगा, 8 साल हो गए मछली भी नहीं खा रही, अंडा भी नहीं खा रही है, डर है उनके दिमाग में कि भाई ब्लड प्रेशर का हाई हो जाता है जी. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप दिन में एक अंडा या हफ्ते में 3 अंडे खाते हैं जर्दी के साथ और मछली खाते हैं, तो आपका अच्छी वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, एक HDL होता है एक LDL होता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को, आपके पट्ठों को, आपको हर दूसरी खातून नजर आती है आजकल कि जी मेरे जोड़ों में दर्द है, ठीक है, मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है, ठीक है, मेरी स्किन बहुत जल्दी एजिंग का शिकार हो गई है, एंटी एजिंग क्यों नहीं है. देखिए अगर आप मछली खा, आप देखिए उन नेशंस को देखें, आप चीन के लोगों को देखें, आप थाईलैंड के लोगों को देखें, आप बांग्लादेश के लोगों को देखें, वो लोग मछली इतना इस्तेमाल करते हैं और उनकी तवनाई आप ताकत देखें. अच्छा हमारे यहाँ प्रोटीन की जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं जी गोश्त खाओ, कढ़ाइयां खाओ, कुन्ने खाओ, पाए खाओ, ठीक है, वो प्रोटीन है.
ठीक है, मछली का कोई तसव्वुर नहीं है, टिक्के कबाब खाएंगे पूरे पूरे, और वो कहेंगे जी मछली का नाम जी ये तो गरम है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये तो उससे पता नहीं एलर्जी आ जाएगी। बल्कि आप देखिए जो खूबसूरत तरीन नेशन है जो मेडिटेरेनियन कहलाती है, तुर्की से लेके और पुर्तगाल तक, ठीक है, स्पेनिश नेशन, वो खाती ये वाली मछली है। आपको मैं दिखा भी दूं कौन सी वाली मछली खाती है, वो खाती है सार्डीन। अच्छा, ठीक है जी, ये सार्डीन खाती है, उसके साथ वो जो पालक का इस्तेमाल करती है, थोड़ा सा भुट्टे इस्तेमाल करती है, कॉर्न करती है, प्याज का इस्तेमाल करती है, ऊपर से जैतून का तेल डालती है, और उनका हार्ट, उनकी उम्रें इतनी जबरदस्त होती है। और ये जो स्किन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सिल्वर वाली स्किन है, इसके साथ अगर आप उसको ग्रिल करेंगे तो आपकी जो आप बोटॉक्स लगाती हैं खवातीन, जो कहती है जी मेरे बोटॉक्स लगा दो, मेरे फिलर लगा दो, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये सिर्फ गजा में करें, आप अगर आपको जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मछली का इस्तेमाल चॉइस करें, ये नहीं कि तेलों में आप जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है सबा, अस्सलाम वालेकुम सबा, थोड़ी वॉक करें जी। जी सबा, क्या बात करना चाहती हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सबा, बोले क्या बात करना चाहती हैं आप जी? डॉक्टर खुराक से मुझे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुराक जी। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक का। ठीक, आप कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी। सबा, प्रोग्राम देख रही हैं आप? बहुत बढ़िया फैन, मुझे बहुत ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। अरे अरे नहीं, बस अब बात होती रहेगी आपसे जल्दी जी जी। वो ना मेरे चेहरे पर ना बाल हैं। अच्छा, बिल्कुल सबा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। और चेहरे पे बिल्कुल, आपने इसका क्या क्या कोई इलाज किया आपने सबा? उसका एक्नी के निशान भी है, आपने इसका कोई इलाज किया? नहीं किया। अच्छा, और तमाम माशाल्लाह सिस्टम्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हैं आपके? जी जी। मैं सबा को बता, मैं चलें जी, अभी सबा को हम बताएंगे। एक और कॉलर है मियां मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए क्या बात करना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो ये है कि आपका जो ये इससे पहले भी टॉपिक था वो भी बहुत अच्छा था, और ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और ये कहना है कि मैं, हम फिश बहुत शौक से खाते हैं, और मेरे जो बच्चे हैं छोटे वो भी बड़े शौक से खाते हैं मछली, लेकिन उसके बाद वो दूध पीना चाहते हैं। अच्छा, तो ये हमें वैसे मसला है, और बड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि लोग कहते हैं मछली के बाद दूध नहीं पीना, और बल्कि दूध से बनी हुई जो चीजें वो भी नहीं करनी। अफजल साहब बोलिए, आगे बात कीजिएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं छोटे, वो मछली बहुत शौक से खाते हैं, उसके बाद वो दूध मांगते हैं अपनी मम्मा से। तो दूध हम उनको उसी कितनी देर पर पिलाएं या ना पिलाएं, या अगर पिला दें तो कुछ मसला तो नहीं होगा? चलें जी, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कवल की कॉल ड्रॉप हो गई है। खुरम साहब बताइएगा, पहले तो सबा ने बताया था कि उनको जिस तरह से उन्होंने अपना मसला बताया उनका भी, और फिर मियां मोहम्मद अफजल साहब का मसला भी बताइएगा। अफजल साहब जी, पहले सबा के लिए मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के थ्रू हम उनको कुछ गिफ्ट भी भेजेंगे, जिससे उनकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म होगी। उनको जो प्रॉब्लम है सबा को, वो कहलाती है जी बिल्कुल, मैं भी बताता भी हूँ, हिर्सूटिज्म कहलाती है। अच्छा, होता ये कि ख्वातीन में हमेशा ये लड़कियों में ख्याल आता है कि जी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको विरासत में भी, आपको जीन्स में भी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अच्छा, उसकी चार वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो लड़कियाँ चार क्रीमें मिला के लगाती हैं रंग गोरा करने के लिए, जिसके अंदर बेटनोवेट होती है। वैसे तो बेटनोवेट बहुत अच्छी चीज़ है, मगर अगर आप बगैर डॉक्टर की हिदायत के लगाएंगी चेहरे पर, तो उससे आपके चेहरे पर बाल आते हैं। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी वो क्या करती हैं कि अब जब भी मेकअप करती हैं अक्सर और बेशतर, तो रात को वो रिमूव नहीं करती हैं। वो टोनर का कॉन्सेप्ट हमारी नहीं लग समझती हैं जी, हल्का सा मुंह धोया छपाके मारे और जी चेहरा क्लियर हो गया, नहीं। जब तक आप उसको नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रेंजेंट से साफ नहीं करेंगे तो आपके पोर्स क्लॉग होते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इरिटेंट होती हैं, जो आपके बाल उगाती है। थर्ड, आपका समटाइम्स पीरियड अप एंड डाउन होते हैं। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ आजकल बहुत ज्यादा ऐसे फीड वाली चिकन आ गई है जिससे आपकी ग्रोथ थोड़ी तेज होती है। तो पहली बात यह कि जब भी ऐसा इश्यू हो, अच्छा एक छोटी सी चीज और बता दूं जी, नो मैटर आप गूगल पे सर्च करें, नो मैटर अगर हम जितने भी डार्क स्किन हैं, गोरे हैं, काले हैं, अगर एशियाई हैं, एशिया होता है तुर्की से लेके और इंडोनेशिया तक, तो आपको
लेजर इन एशियन स्किन, आप कभी भी लेजर नहीं कराएंगे वरना आपके चेहरे पे बाल और मोटे आएंगे, काले धब्बे पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे जी, एक ब्लैक पाउडर के साथ आप गूगल करें ऑक्सीजन थेरेपी, उससे आपके बालों की ग्रोथ कम होगी। मगर सुबह को क्या करना है, इन द मीन टाइम आपको खानी है सुबह शाम आधा आधा कप दूध में चुटकी हल्दी डालनी है, और उसके साथ एक एक चमचा सनफ्लावर सीड्स, अगेन उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और साथ में आप खाएंगी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। इससे आपके तमाम हार्मोन सिस्टम नॉर्मल होगा। और मैं यहां से थ्रू हम 92 आपको एक क्रीम भेजेंगे अल्फा आर्बिटिन, जो कि आपके गैर जरूरी दाग तो बंद करती है। अल्फा आर्बिटिन विद एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ए, विटामिन ए आपकी स्किन को बहुत नरिश करती है और बालों को गैर जरूरी बालों की ग्रोथ भी कम करती है। जी, यकीनन आपको एक गिफ्ट पहुंच जाएगा सबा, इसको एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। सहर वैसे एक कॉलर हमारे साथ जो थे, उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत शौक से मछली खाते हैं लेकिन उसके फौरन बाद वो दूध मांगते हैं, तो उनको दूध देना चाहिए या कितने टाइम बाद देना चाहिए या देना ही नहीं चाहिए? उसकी बायोकेमिकल रीजन ये है कि वो कैल्शियम मैग्नीशियम चीलेट्स बन जाते हैं। मछली का मैग्नीशियम कॉन्टेंट हाई है, मछली में कैल्शियम भी है लेकिन उसका मैग्नीशियम कॉन्टेंट हाई है और दूध का कैल्शियम कॉन्टेंट हाई है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम चिलेट्स यानी उसके कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं जिसकी वजह से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है। वैसे सहर मैंने काफी लोगों सुने, कुछ लोग तो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ लोग कहते हैं कुछ खास मछली होती है जिसकी वजह से ये होता है। आइडियली वो कौन सी ऐसी मछली है? आइडियली सारी फिश है, जितनी भी फिश आपके पास अवेलेबल है सब में मैग्नीशियम होता है। आइडियली मैं कहूंगी कि जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो नॉर्मल टाइम स्पेंड है खाने की डाइजेशन का 2-3 घंटे, वो गुजरने के बाद ही दूध दें तो अच्छा है। 2-3 घंटे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे और आपकी तरह माशाल्लाह जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कभी एक आध बार मछली खा ली बाद में दूध पी लिया तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी प्रोन है, किसको ऑलरेडी हाजमे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर उसमें आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो बेटर है। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे HDL LDL की, उस पर मैं भी बात करना चाहूंगी। आपकी बॉडी में खास रेशो होता है HDL और LDL का जो कि मेंटेन रहना चाहिए। HDL आपके पास गुड फैट्स हो जाते हैं और LDL आपके पास बैड फैट्स हो जाते हैं। एक कॉलर जिनकी कॉल आई थी, मुझे इतना अफसोस हुआ, वो कह रही है कि उन्होंने इससे नहीं खाई कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मछली तो स्पेशली आप देते हैं अगेन बेक्ड या ग्रिल्ड ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो सके। मछली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बल्कि जिनको लिवर का जिगर का प्रॉब्लम है, एक चीज है बड़ा कॉमन टर्म है, पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है या फिर सबको पता होगा, कहते हैं कि लिवर में चर्बी हो गई है, फैटी लिवर है। फैटी लिवर होने के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है विद द पीरियड ऑफ टाइम, तब भी आपका लिवर फैटी हो जाता है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार फिश लेते हैं तो ये लिवर में चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लिवर का ये जो गुड फैट कॉन्टेंट है HDL, इसका काम ही यही है कि ये बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से चर्बी को उठा के लिवर में ही ला के उसको गालता है या उसकी ऑक्सीडेशन करता है। एग्जैक्टली मछली जो खाने का उन्होंने वो सिकंदर हयात, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। वालेकुम सलाम, क्या बात करना चाहते हैं? खुरम भाई से मैंने पूछना है, मुझे ना पाइल्स का मसला था, मैंने ऑपरेट करवाया, तो ऑपरेट करवाने के बाद अब 1 माह हो गए, तो उसके बाद अब मैं मतलब फिश वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? ठीक है, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर है मजहर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर, बात कीजिएगा। जी मैडम, मैंने मछली के बारे में पूछना था ना, मुझे वो ना हेपेटाइटिस सी है, तो क्या मैं मछली खा सकता हूँ? चलें जी, इसका एक दफा दोबारा से बता दीजिएगा, आपको क्या मसला है? जी मुझे ना हेपेटाइटिस सी का मतलब करवा दिया है, तो क्या मैं मछली खा सकता हूँ? ठीक हो गया, चलें जी अभी आपको बता देते हैं। खुरम साहब, पहले तो सिकंदर साहब ने कहा है जो उनका मसला है उसके बारे में बताइए, वो मछली खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदर भाई ने बिल्कुल बताया कि जी उन्होंने सर्जरी भी करा ली है। बिल्कुल सिकंदर, आप बिल्कुल खा सकते हैं, और बड़ी बात यह है कि आप अगर एक्स्ट्रा ना फिश ऑयल आप रोजाना 1 चमचा सुबह शाम दूध में डालकर पिए, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज होता है, वो भी प्रिवेंट करेगा। जब वो क्लियर होगा तो आइंदा आपको रिकरेंस के चांसेस नहीं होंगे। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मछली के साथ साथ, अच्छा जो आपने सर्जरी कराई है तो आप क्या करें कि जी अपनी गजा में रेशा
फाइबर की मकदार ज़्यादा कर दें और अफेक्टेड एरिया पे क्रीम आप हेड एंड सा पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके और कश्मीर तक अवेलेबल है वो क्रीम थ्राइस डे लगाया करें और उसको वार्म वाटर बाथ दिया करें, ठीक है। और ये मछली आप कैसे खाएंगे, ये देखिए मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ। आप मछली के अंदर, ठीक है, मछली के अंदर आप थोड़ा सा वंस अ वीक आप थोड़ा सा कद्दू, ठीक है, कद्दू पम्पकिन और उसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ा धनिया एंड थोड़े से उसके अंदर डालेंगे आप खाने वाले सफ़ेद तिल जो आपको आपकी तमाम इंटेस्टाइन्स में आपकी बड़ी जो आंतें होती हैं, आप देखिए अमेरिका में कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग मछली कम खाते हैं, बीफ और जो है दूसरा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके साथ थोड़ा सा जो खाने वाले तिल होते हैं वो ऊपर से आप थोड़ा सा स्प्रिंकल्ड होगा ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इस तरह आप वंस अ वीक खाएं, आपका एक तो बड़ी आंतें बिल्कुल क्लियर होंगी और आपको जो थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी वो दोबारा इंशाल्लाह कभी रिकरेंस के चांसेस दोबारा यानी होने के अलावा अगर वो फरम साहब ने जो टिप्स दी हैं उनके ऊपर अमल करेंगे। वैसे सहर मजहर अब्बास साहब ने कहा कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है तो वो उसके बाद मतलब वो अब मछली खा सकते हैं। बिल्कुल मछली खा सकते हैं, मछली तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। आपके पास बॉडी में एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज होते हैं, बल्कि मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी, ऑटो इम्यून डिजीजेज, आर्थराइटिस का सबको पता है, जोड़ों की प्रॉब्लम का सबको पता है, एक आपके पास टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आपके पास तब होता है जब बॉडी के जो अपने डिफाई सिस्टम है वो अपने ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है। मछली में आपके पास अगेन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, देयर अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के TH1 सेल्स को TH2 सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। TH1 सेल्स का क्या काम है कि TH1 सेल्स जो हैं जो बॉडी के अंदर की इन्फेक्शंस होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ते हैं और जो TH2 सेल्स हैं वो जो बॉडी के बाहर की इन्फेक्शंस होती हैं उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। जब हमें कोई ऐसी खुदा ना खास्ता डिजीज होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज, तो हमें उन सेल्स की मकदार कम करनी होती है जो बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो जो फिश है वो उन सेल्स को जो बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो इनफेक्ट बाहर की इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। फिश में आपके पास जिंक है, जिंक अगेन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। फिश में आपके पास मैगनीज है, मैगनीज आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है एक अडैप्टिव होता है, एक ह्यूमरल होता है। जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम होता है उसकी जो आर्मी होती है जिससे हमारी एंटीबॉडीज बनते हैं वो बी सेल्स के थ्रू बनते हैं। जो फिश है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये बी सेल की ग्रोथ को, इसकी प्रोलिफरेशन को, इसकी जो मल्टीप्लाई होने का रेट है इसको कंट्रोल करते हैं, तो ये तो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे ही अच्छे हैं। इम्यूनिटी के लिए यकीनन अच्छे हैं। एक कॉलर है नसीर, अस्सलाम वालेकुम नसीर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आप क्या बात करना चाहते हैं? बेटा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मछली अवेलेबल ना हो जो मार्केट से एडी कैप्सूल वगैरह या सेवन सीज वगैरह जो मिल जाते हैं जो मछली का निर्मल बदल है बेटी, वो खाया जा सकता है? चलें ठीक है, अभी आपको बता देते हैं और पता करते हैं कि खाया जा सकता है कि नहीं। एक और कॉलर है ताबीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी। ताबीर क्या बात करना चाहेंगे? ताबीर की कॉल ड्रॉप हो गई है। सीमा हमारे साथ मौजूद हैं, एक और कॉलर। सीमा अस्सलाम वालेकुम, क्या बात करना चाहती हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर खुर्रम से बात करना चाहती हूँ। जी जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 50 है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी लास्ट लाइन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए कोई ऐसी आप रेमेडी बता देंगे जिससे जो है वो लास्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, बाकी कहीं भी नहीं है, ना क्रोफीट है ना। मछली की खुशबू इतनी जबरदस्त आई थी कि मैं वहां से उठ के ना सोफे से भाग भाग के इधर आ गई कि ये इतनी ज्यादा मछली है और ये सारी मछली मैं खाऊंगी। आयशा ने मेरे लिए बनाया, आयशा ने कहा भी है कि ये मैंने आपके लिए बनाई है, तो मेरी टीम अब कहती होगी कि इकरा ने सारी मछली पे मल मार लिया, लेकिन ये मछली इतनी जबरदस्त है कि मेरा दिल कर रहा है मैं सारी ज्यादा जो मछली है ना वो खा लूं। लेकिन यहाँ पे मुझे टाइप्स बड़ी ज्यादा नजर आ रही मछली की, तो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूंगी कि एक ये भी टाइप है, एक ये टाइप है, एक ये टाइप है, और इन सारी टाइप्स को जो है ना वो आप बताएंगे। आयशा एक्सप्लेन करें ये कितने मजे मजे की आपने रखी है बना के टाइप्स। ये जो है ये फिंगर फिश है और ये ब्रेड क्रम्स के साथ बनती है, थोड़ी सी इसको मैरिनेशन करते हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके इसको फ्राई करते हैं, और ये ब्रिटेन स्पेशल है, इसका एक मैदे का, अंडे का और दूध का बैटर बनता है और उसकी पहले से मैरिनेशन होती है, उसके बाद उसमें मैदे में उसको जो है वो पहले कोट करके और उसके बाद उस बैटर में कोट करते हैं, जैसे ये बैटर है हमारे पास,
इसमें हमने इस कंसिस्टेंसी का होता है इसमें जी इसमें कोट करके हमें इसको फ्राई किया और दिस इज वन ऑफ द स्पेशल तवा कसूरी फिश जबरदस्त इतनी टाइप्स हैं तवा कसूरी यस इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि ऑलवेज ट्राई के मतलब अगर आप देसी फिश बना रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करें वो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका और मतलब वो कंपीट करती है जो आप बाहर से खाते हैं मैं इसको खा लूं लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे साथ साथ हम मछली भी टेस्ट करेंगे लेकिन ये जो दो और टाइप्स भी बन रही हैं नहीं ये इन्हीं की एक अच्छा इन्हीं की टाइप्स होंगी ये तवा कसूरी फिश है और ये जो ब्रिटेन स्टाइल है ये वो है ठीक है सहर वैसे यहाँ पे बड़े मजे मजे की फिश है आपका भी यकीनन दिल कर रहा होगा हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं उनका भी दिल कर रहा होगा यही फिश खाने को लेकिन मैं थोड़ी सी टेस्ट करती हूँ और आपके लिए भी लेके आती हूँ थोड़ी सी तवा कसूरी जो है ना ये सीमा कहती कि लाफ लाइन्स का इशू है उसका क्या उस हल है वो कैसे दूर कर सकती है लाफ लाइन्स को लाफ लाइन्स का इशू मैंने आपको दो तीन पहले भी वो मास्क वगैरह बताए थे बेसिकली हमारे पास ये लाइन्स तब आती है जब हमारे टिश्यू की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है तो टिश्यू जो है हमारा स्किन को जो इलास्टिक रखता है थैंक यू सो मच यस ऑफ कोर्स जो प्रोटीन उसको इलास्टिक रखती है दैट इज कॉलेजन कॉलेजन को जो मेन पुश देता है जो विटामिन उसको मेन पुश देता है दैट इज विटामिन सी तो इफ शी वांट्स टू गो फॉर गुड फेशियल्स तो विटामिन सी फेशियल्स कैन बी ग्रेट इन इंक्रीजिंग द स्किन इलास्टिसिटी अदरवाइज मैंने आपको एक मास्क बताया था कि आप इंजीरे लेकर तीन चार इंजीरे लेकर उसमें एक चम्मच दही एक चम्मच योगर्ट एक चम्मच जिंजर पाउडर डालें और उसको हफ्ते में दो से तीन बार पांच से दस मिनट मुंह पर लगाएं तो आप कुछ तीन चार महीनों बाद नोट करेंगे कि आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो इंप्रूव हो रही है ये अपनी बात अपनी गोल कर गई है एंड पे आप फिश को मजा ले रही है आयशा इसका मतलब है कि मजा आ रहा है भी लेकिन खुरम आपको भी हमें देख देखे हम स्टूडियो में क्योंकि मछली खा रहे हैं मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए मैं तो बड़ा अप्रिसिएट करता हूँ मछली बेहतरीन गजा है और प्लीज पाकिस्तानियों को चाहिए मछली की तरफ ज्यादा जाएं पता नहीं लोग क्यों डरते हैं कि जी गर्म है और पता नहीं अच्छा, वैसे क्या यही बात जिसमें अच्छा, हमारे कॉलर ने भी पूछा था हुरम के उन्होंने कहा था कि मछली अगर ना हो कुछ सीजन होते हैं जिनमें मछली नहीं होती वो भी एक तो क्लियर करना है और दूसरा ये कि अगर मछली नहीं है उसके अल्टरनेटिव जो फिश कैप्सूल्स है क्या वो उसके नेमल बुदल है उन्होंने ये पूछा था बिल्कुल बिल्कुल बता दो अच्छा मैं छोटा सा मिसीमा का क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ी हमारी खवातीन का मसला है और मैं मिसीमा को पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि शी इज क्वाइट यंग फॉर बोटॉक्स तो वो बोटॉक्स की तरफ मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर एक दफा उनके बोटॉक्स कर दिया तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे पहले तो हम चैनल 92 की तरफ से मैं उनको एक मल्टी विटामिन पिक वाइट भेजना चाहूंगा जिसके अंदर चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो है फ्रेंच मैरीटाइम एक्सट्रैक्ट आप गूगल करें ये एंटी एजिंग है आप ये रोजाना एक कप दही के साथ लेंगी छोटा सा दही साथ में इसके बीटा कैरोटीन है जो आपकी एजिंग को बिल्कुल कट डाउन करता है सेकंड चीज मैं उनको बताऊंगा कि जी जैसे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है जब तक आप फेसिसाइज नहीं करेंगी तो आपकी लाफ लाइन डेवलप होती रहेंगी वो बड़ा खराब होगा तो आपको क्या करना है देखिए आपको ये थाम ठीक है आपने क्या किया जो बिल्कुल आपकी अपर चीक बोन्स है आप जैसे रबर बैंड नहीं खींचते आप पांच मिनट के लिए ये अपना दर थोड़ा प्रेशर देंगे तो आपका पूरा चेहरा आप वर्ड्स होगा आप फीलिंग भी ये रखें और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करें सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जैसे आप बच्चे जो हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं ना या बच्चे गुलेल चलाते हैं ठीक है आपने क्या किया ये आपकी ये जो बोन्स है यहां पे आप रखिए जो लोअर जॉ है इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे यूं जैसे कहते हैं एक आपका जॉ लाइन आगे तरफ इससे आपका लाफ लाइन गायब होंगी और आखिर में मैं उनको चैनल 9 की तरफ से ये देखिए मैंने गोट्स मिल्क की एक क्रीम बनाई है जिसके अंदर है लैक्टिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोलेजन ये हम मिस सीमा को भेजेंगे मिला के लगाएंगे लाफ लाइन देखिए इंशाल्लाह सीमा को गिफ्ट्स जो है वो तो आप कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा लेकिन सीमा की दोबारा से कॉल आ गई मुझे लगता है वो बड़ी मुतासर हुई है गिफ्ट्स को देख के जी सीमा बात करें आप अरे नहीं नहीं मैं हाँ जी सीमा बात करें जी जी मैं बात कर रही हूँ हेलो और एक और चीज बस और मैं चाहता हूँ आप में सीमा जी बोलिए बोलिए जी एक और ये बात पूछनी थी कि जैसे अभी आप लोग फिश पे बात कर रहे हैं तो फिश के हवाले से भी मुझे डॉक्टर ने कहा कि एक फार्मिंग फिश होती है आजकल तो वो बिल्कुल बिल्कुल होती है बिल्कुल चिकन जैसे आजकल चिकन के बारे में चल रहा है कि ये जो फार्मिंग है तो उसका कोई फायदा है क्योंकि मुझे थायराइड है तो मैं बहुत फिश खाती हूँ लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जो आप फिश खा रही हैं उसका कोई फायदा नहीं है अब जब हम नेचुरल फिश जो होती है
नमकीन पानी की जब वो ढूंढते हैं तो वो उसके रेट हाई है, आपको पता है 2,500-3,000 रुपए पर केजी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप ये बताइए कि अगर उसका कोई अल्टरनेटिव है तो वो बताइए, क्योंकि हर जगह नहीं मिलती है, मुझे बहुत जरूरत है। मैं आपको जबरदस्त चीज बतानी है, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ दुबई से, बूटा भाई। जी जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम जी। जी बूटा भाई, क्या जानना चाहते हैं खुरम साहब से? कैसे जी? मैं वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जानना चाहते हूँ कि डॉक्टर साहब, ये जो मछली के मजे तो बहुत हैं, तो ये बोलते हैं कि तो मछली खाने के बाद ना चेहरा खराब हो जाता है, पता है वाइट वाइट आ जाते हैं। अरे बूटा भाई, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया, मैं बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। अभी बता दे मेरे खुरम भाई आप। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। बूटा भाई जो पूछ रहे हैं कि बिल्कुल जी, हमारे यहाँ एक डिजीज है, देखिए सब लोग वैसे हम लोग बहुत गलत गलत जगहों पे गूगल कर लेते हैं क्योंकि हमें जो नॉलेज नहीं होती, मगर इस पे जरूर गूगल करें, वर्टिलाइगो, VITILIGO, ठीक है, जिसको उर्दू में फुलबेरी बर्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये विरासत में आती है और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी के ये दूध खाए, दूध हमने पिया और मछली साथ में खाई तो वो बस हमें फुलबेरी आ गई, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप पहली बात ये कि हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, लोगों को आप शादियों में आजकल देखिए फ्राइड फिश खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, खीर खाएंगे, वो दूध नहीं है, ठीक है। मगर अगर आप दूध कह दें तो देखिए दूध, मुझे मैडम कह रही थी बिल्कुल सही बात थी कि जी आप दूध का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, बाकी आप दूध के साथ देखिए दूध और मछली में कोई मतलब ये साथ ना करें, थोड़ा गैप देखिए। वर्टिलाइगो एक विरासत में आती है, आपके अंदर से डिवेलप होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, कभी भी आपके मछली या दूध से कोई तसव्वुर नहीं है। आप देखिए, अच्छा एक बात छोटी सी और बताऊं कि जी पाकिस्तान, लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ हो रही है जी, अमरीका बरतानिया में तीन, भाई पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी स्किन में तो वर्टिलाइगो नजर आता है, अंग्रेज स्किन तो बिल्कुल फेयर होती है, उनमें तो नजर ही नहीं आता ना, हमारे अंदर प्रोमिनेंट होता है, तो ये बिल्कुल जीन्स की प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। और फार्मी मछली के बारे में जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि फार्मी मछली वो बहुत खाती है और उनको थायराइड का भी इशू है। जी बिल्कुल, फार्म फिश अवॉइड करनी चाहिए। उसके 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन है कि जो फार्म फिश है उनको सर्वाइवल के लिए, बिकॉज वो बहुत क्राउडेड एनवायरनमेंट में होते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन डेवलप करने के लिए टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब हम वो फार्म फिश कंज्यूम करते हैं तो वही एंटीबायोटिक स्ट्रेन्स हमारे अंदर भी होते हैं, रेजिडुअल जो रह गए होते हैं, तो हम भी ऐसे बहुत सारी अगर हमें खुदा ना खास्ता बीमारियां तो होती है, इन्फेक्शन तो होती है, अब हम बाहर से कोई एंटीबायोटिक लेते हैं उस वजह से हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट स्ट्रेन बन गया होता है, जिस वजह से वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। तो आप फार्म फिश या कोई भी ऐसी डाइट लेंगे जो कि इस तरह से ट्रीटेड होगी एंटीबायोटिक से, तो वो आपके अंदर भी ऐसी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन बना देगी कि जब आपको बीमारी के टाइम किसी एंटीबायोटिक की जरूरत होगी वो असर नहीं करेगी। दूसरी जो आपकी फार्म फिश होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैंने भी बताया कि आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द गुड फैटी एसिड्स। जो फार्म फिश होती है उसमें ओमेगा 3 कम होते हैं और ओमेगा 6 ज़्यादा होते हैं। जिस तरह ओमेगा 3 आपके पास इन्फ्लेमेशन और सोजिश और उन सारी बीमारियों को जो इन्फ्लेमेशन से होते हैं कम करता है, ओमेगा 6 आपके पास इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स को ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब है कि वो सारी बीमारियाँ भी आपके पास ज़्यादा होंगी। तीसरी चीज़ आपके पास ये है कि दो तरह के आपके पास प्रोटीन डाइट्स होते हैं, एक होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन, फिर डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे थे कि हम प्रोटीन कहते हैं कढ़ाइयों को और इन चीज़ों को, फिश को हम कहते हैं गर्म है, और एक होती है लो क्वालिटी प्रोटीन। अगर आप न्यूट्रिशन की बुक्स में पढ़ें या मेडिसिन की बुक्स में पढ़ें तो फिश इज हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है कि ये वाली प्रोटीन की गजा जब आप लेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, हाजमे से ये ज्यादा जज़ब होकर बॉडी को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो जो आपकी फार्म फिश होती है वो आपकी दूसरी फिश से 20% कम होती है प्रोटीन कंटेंट में। चौथी चीज ये है कि फार्म फिश में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स की बहुत ज्यादा जो प्रेजेंस है वो डॉक्यूमेंट की गई है, रिपोर्ट की गई है, पब्लिश की गई है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये जो लास्ट रीजन है वो तो बड़ी खतरनाक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है तारे का, अस्सलाम वालेकुम तारे। ये ताहिर वागर और दिल्ली से। जी जी ताहिर, आप बात कीजिएगा, क्या बात करनी है? पूछा था कि मेरी मिसेज को फ्राइसिस है, इन डिजीज है उनको, तो जब फिश खाती हैं तो वो उसका बढ़ जाता है, तो उसका क्या इलाज करें, फिश ना खाएं या फिश खाएं किसी और तरीके से? अच्छा मसला क्या, एक दफा दोबारा से बताइएगा। मसला ये कि उनको स्किन फ्राइसिस। ठीक हो गया, चलें जी अभी बताते हैं। एक और कॉलर है फजल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी।
जी जी करें। डॉक्टर खुराक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? जी बताइए भाई। बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, माशाल्लाह से। एक तो आपकी पर्सनैलिटी से माशाल्लाह लोग बहुत मुतासर होते हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब, नहीं आपकी मेरी हाइट है 5'4" और मेरा बेटा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, 5 साल का है वो। अरे आप कितने साल का है ये तो बता दें प्लीज। नहीं मैं बेहतरीन, मैं बेहतरीन आपको बता रहा हूँ, आप देखें इंशाल्लाह ठीक हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं बेहतरीन बताता हूँ। एक और कॉलर हैं अफजाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अफजाल साहब क्या जानना चाहते हैं? मुझसे खुरम साहब से मेरी बात करा दे प्लीज। जी सुन रहे हैं खुरम साहब, आप बात कीजिएगा। जी जी अफजाल भाई अस्सलाम वालेकुम। ये जो दरियाई मछली है या जो जोहर में गांव साइड पे या जो नहरों में कुदरती तौर पे अल्लाह ताला बनाता है, और उसमें और एक पॉन्ड में जो बनाई गई है उसमें मेन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी, अभी बताते हैं खुरम साहब, बताइएगा। वैसे ये वाकई में बहुत ज्यादा सवाल है कि जो फार्म की मछली है दरियाई मछली है उसमें फर्क कितना है, और इनकी दोनों की गजायत के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल बताता हूँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहले हमारे उसी से लिंक करता हूँ, ये हमारे कॉलर भी आए थे, उन सर ने कहा कि जी उनकी वाइफ को सोराइसिस है। देखिए ये सोराइसिस इस तरह की बीमारी है, ठीक है, और अगेन ये ऑटो इम्यून है। इसमें आप एस का बड़ा, एस अंग्रेजी का जो एस है उसका बहुत बड़ा रोल है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको? ये देखिए, ये सोराइसिस है जिसको चंबल भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मछली बिल्कुल आपको नहीं रोकनी, आपको एस वाली चीज़ें क्या करना है जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आप अगर स्मोकिंग करते हैं या सनलाइट में जाते हैं, ये चीज़ें आपको कट डाउन करनी है। बाकी मछली तो आपको क्योंकि बहुत आपकी जल्द बिल्कुल सुकड़ जाती है तो आपको बड़ा रोगन देती है। अच्छा जी, मैं सीमा का भी था हमारे सर का, पिंडी से भी था, सब लोगों के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त, हम एक पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त ख़जाना है। मछली तो देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मगर फिर भी ये देखिए, ये आपने चावल हमने बहुत कम देखे और ये कहलाते हैं वाइल्ड राइस। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पैदा होते हैं सियालकोट रीजन में, ठीक है। अच्छा। मगर हम क्या करते हैं, सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, खुम्बिया मशरूम्स, जो बड़ा जबरदस्त आपको एनर्जी देता है, बड़ा ताकत देता है, बहुत जबरदस्त आयोडीन का भी इसमें खजाना है। और थर्ड चीज है, एक बड़ी जबरदस्त सब्जी है, लोगों को पता ही नहीं, मैं हैरान हो जाता, हम लोग इतना खाते हैं, मोंगरे, ठीक है जी, मोंगरे आप ये लेंगे साथ में, ये आपने ये लिए खुम्बियां मशरूम्स और ये वाइल्ड राइस में सीमा के लिए भी। अच्छा ये आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंकल करें आप काली मिर्च और आयोडाइज सॉल्ट, ये बड़ा जबरदस्त आपको एनर्जी देगा। साथ में दही का इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल एक मछली वाला तो नहीं मगर बहुत हद तक बड़ा आपके अंदर प्रोटीन की कमी, आपका थायरॉक्सिन को मतलब आपके थायरॉइड की डिजीज को प्रिवेंट करने में बहुत हद तक फायदेमंद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मछली का नेमुल बदल किसी हद तक है। अच्छा चौथा जो हमारा एक सर थे, उन्होंने कहा था जी बेटे की हाइट के लिए। अच्छा जी देखिए, ये तो बड़ा मुमकिन नहीं है कि अगर वालदैन, लोग समझते हैं कि अगर देखिए अगर वालदैन दोनों की हाइट बहुत ज्यादा है तो बच्चे की ज्यादा होगी, मगर वालदैन की कम है फिर भी बच्चे की हो सकती है। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप ये कोशिश ना करें, बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप ग्रोथ हार्मोन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, बच्चों को एक तो आप प्रॉपर नींद होनी चाहिए 8 घंटा, दूध पिए, जितना दौड़ेंगे जितना भागेंगे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, सेम ग्रोथ विद खवातीन जो जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो खवातीन आप देखिए जो बैठी होती है ना, समझते हैं बेगम साहब टीवी के सामने बैठी हैं, और जो मेड काम कर रही हैं, जितना मूवमेंट करते हैं आपकी हड्डियां और आपकी हाइट में इंक्रीज आता है। और एक आखिरी सॉल्ट बता दूंगा, अफजल साहब ने जो कॉल की थी, बेटे को दूध के साथ सरस घाच हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट की विटामिन खिलाएं, उससे बच्चे की हाइट बहुत तेज होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ये जितने आपने टिप्स बताए यकीनन हमारे व्यूअर्स जिन्होंने कॉल भी किया उन्होंने भी, उनके लिए फायदेमंद होंगे। सर वैसे एक और बड़ा नुकसान है मछली का, जो एक मुझे लगता है कि मछली का जो कांटा है ना, वो अगर खुदा ना हास्ता कभी गले में अटक जाए, क्योंकि मछली हम शौक से खा रहे होते हैं, अगर कांटा ही अटक जाए गले में तो फिर उसका हल क्या, कैसे निकालें? वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कैन नॉट कम इन सिंगल पैकेजेस, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई हर चीज का कोई प्रोस भी होता है और कोई कॉन्स भी होता है। अच्छा, वैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो मछली इसी वजह से निकालते हैं कि इसमें कांटे हैं, मैं खुद बड़ी एहतियात से खाती हूं, बड़ी मुश्किल से। बेसिकली आपको यही एवर्जन होती है ज्यादा खाने से, वो यूजुअली फिर हम ये करते हैं कि हम ज्यादा फिंगर फिश की तरफ ऑप्ट कर लेते हैं। एक और मैं बात ही करना चाह रही थी कि जो आप बात कर रही थी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश की, कौन सी ज्यादा अच्छी है, कुछ ऐसी फिश
फिश जिसको आप ऑयली फिश कहते हैं, सार्डाइन्स और सैल्मन्स. सार्डाइन्स और सैल्मन्स हैव अ सुपीरियरिटी हैंड ओवर बाकी सारी फिश. और जो कैंड फिश है, अगर वो आपने खानी है, वो आपने हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं खानी है, जैसे ट्यूना और बाकी कैंड फिश जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इनका जो मर्क्यूरी कॉन्टेंट होता है वो हाई होता है एंड इट कैन कॉज मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी और मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन द बॉडी. और एक और बात ये भी बताना चाह रही थी कि जो फिश है वो आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, मेमोरी को आपकी तेज कर, बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये आपके पास आपकी जो नर्व है, जो नर्व की शीट है उसको बनाते हैं. हमारे ब्रेन में हमारे सिग्नल्स हमारी नर्व ने कैरी करने हैं, तो आपकी नर्व की शीट जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही तेजी से आपका जो सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा. तो आपकी मेमोरी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी अटेंशन, ये सारी चीजें वो जो बड़े कहते हैं ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि मछली खाओ दिमाग तेज होता है. तो वो इसलिए होता है कि जो नर्व्स की शीट है उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, चादर है, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं. जबरदस्त, यानी कि मेमोरी जो है ना, अगर किसी ने इंक्रीज करनी है तो वो भी मछली खाएं. आपका तो जो वैसे खुशबू सहर बहुत ज्यादा मछली की आ रही है, मैं दोबारा से एक दफा आयशा के पास वो आती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं एक और कुछ जो उसकी टाइप है ना वो आपको टेस्ट करवाऊंगी. तो आयशा कहाँ तक पहुँची आपकी फिश? यस, इन द फाइनल प्रोसीजर, बस अब लास्ट जो है वो पीसेज हमारे जो है वो फ्राइंग पैन में है. वैसे हमारा प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, बता दें थोड़ी सी रेसिपी भी बता दें हमें. रेसिपी तवा कसूरी फिश की बता देती हूँ. इसके लिए आपको सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगी कि नमक लगा के आप फ्रिज में नहीं रखें, को बाहर रखें ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाए. और उसके अलावा जब आप इसको मसाला लगाएं तो आप इसको लहसुन का पेस्ट लगाएं और साथ में अजवाइन लगाएं और जो सूखा धनिया होता है उसका पाउडर या उसको. अच्छा, इसको मैरिनेट करने का भी होता है कि कितनी देर पहले मैरिनेट कर देना चाहिए? इसका बेसिकली मैरिनेशन इसकी जो होती है वो नमक की होती है, बिकॉज इसके अंदर तक नमक अगर होगा तो आप इसका मसाला तभी मजा आएगा. और सहर वहाँ की बैठी इधर आज. सो आई कुडंट रिजिस्ट, यहाँ पे इतनी ज्यादा फिश है, मेरा हाल आपकी प्लेट में वैसे भी खत्म हो गई है. यस, काफी देर पूरा प्रोग्राम है, ब्रेक में कहती रही है वो आप गोल्डन हो रही है, अब ये हो गया, अब इसका वो हो गया. ऑब्वियसली अच्छा उसका कलर जो है. अरे वैसे हम सारे तो मछली खा रहे हैं, आप भी आ जाए क्या, वही बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, दूर दूर से एंजॉय कर रहे हैं. बिल्कुल, मैं मुझे खुशबू आ रही है. अच्छा, आपको खुशबू भी आ गई है, ठीक है जी. चले आपको कराची फिर हम मछली भिजवा देते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने जबरदस्त टिप्स दिए और गिफ्ट भी दिए हमारे व्यूअर्स को. बहुत बहुत शुक्रिया खुराक साहब, आपका बहुत मोहब्बत आपकी. चले सहर थोड़ी सी मछली और खा ले. Without hesitation, आप भी खा ले. मैं भी टेस्ट करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल, एक्सलेंट जॉब. थैंक यू. एक्सलेंट जॉब. थैंक यू. बहुत ही वैसे इसकी रेसिपी क्या है? अच्छी रेसिपी बता दें, जल्दी वाली रेसिपी. जल्दी वाली इसकी रेसिपी है कि दो अंडे तोड़े और उसको मैश करें, सॉरी उसको करके उसके बाद जो है उसमें मैदा डालें और थोड़ा सा दूध डाल के और उसमें आप डिप करके इसको फ्राई करो. उसकी पहले मैरिनेशन नमक और काली मिर्च और लेमन जूस जो है वो इसको ऑलरेडी लगा के रखें और उसके बाद इसका बैटर जो है वो कोटिंग करके. तीनों टाइप्स जो आपने बनाई है इनमें सबसे ज्यादा जल्दी कौन सी बनी? जल्दी ये फिंगर फिश बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था. ये ब्रेड क्रम्स में ये जल्दी क्योंकि इसका साइज छोटा है सो जल्दी बन जाती है. अच्छा सहर, अब एक काम करें आप, मैंने आपको फिश खिलाई है. हाँ. अब मेरे प्रोग्राम की क्लोजिंग आप दें. ओके, सो ख्वातीनों हजरात, आई होप आपको मछली के फवायद में आज और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. मुझे और मेरी बहुत प्यारी सी सहेली इकरा खुरम साहब को कराची से और हमारी प्यारी सी शेफ दोस्त को इजाज़त दें. मछली खाएं, खुश रहें, खुश रखें. अल्लाह हाफिज़. प्रोग्राम का फीडबैक भी. यस.